नमस्कार, जय जोहार साथियों। जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच नित्य की भांति आज भी आपके लिए बड़ा ही बेहतरीन मुद्दा लेकर आया है, जो हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंड को परोसता है, अंधविश्वास और पाखंड को फैलाता है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे हर हाथ में दिखने वाले कलावे, मौली, रक्षा सूत्र कैसे एक पीढ़ी का जो संस्कार है या कार्य है, कैसे वो अगले पीढ़ी तक अंधविश्वास और पाखंड बन जाता है, यह आज आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों, कलावा आज हमारे बहुजन समाज में हर हाथ में लगभग देखने को मिल जाता है। इसका क्या महत्व है, इस कलावे की क्या उपयोगिता है, इस कलावे को बांधने से हमें क्या लाभ मिलता है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये कलावा का जो शुरुआत हुई, कलावा कैसे हमारे समाज में आया और कलावा क्यों बांधा जाता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, आज सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि कलावा का प्रचलन हमारे समाज में आया कैसे। यह हमारे समाज के बीच में एक, जिसे बोलते हैं अंधविश्वास, पाखंड, या यूं कहें यह हमारा संस्कार कैसे बन गया, हमारे समाज के लोग इसे चाहे वो कितना भी मैला कुचैला क्यों ना हो, लेकिन उसे काटने से हटते हैं कि यह उनका रक्षा सूत्र है, यह उनकी रक्षा कर रहा है। तो आज यही मुख्य विषय है हमारे इस वीडियो का। तो साथियों, सबसे पहले चलते हैं वहां पर जहां पर यह पहली बार जब बांधा गया था। तो साथियों, जब यह पहली बार बांधा गया था तो यह राजा बलि के हाथों पर बामन देवता ने बांधा था। तो जब बामन देवता ने बांधा था तो यह क्यों बांधा था और इसे बांधते वक्त क्या कहा गया था, या ये बांधा जाता है तो क्यों बांधा जाता है, ये वहां पर स्पष्ट होता है। तो जो बामन देवता थे, उन्होंने राजा जो बलि थे उनको अपन वचनबद्ध करने के लिए कि उनके वचनों का पालन करोगे, इसलिए उन्होंने राजा बलि के बांधा था। उसी प्रकार उसी को ये जो ब्राह्मण समाज है, या यूं कहें ये पुरोहित समाज है, अपनी रक्षा के लिए यह आपके रक्षा सूत्र मानता है। तो इसमें सबसे पहले आता है कि जब ये बांधते हैं तो एक श्लोक बोलते हैं। उस श्लोक का मतलब क्या होता है, जब तक हम ये जानेंगे नहीं तब तक हम इससे मुक्त नहीं होंगे। तो साथियों, आइए उस श्लोक को जाने। इसमें श्लोक है, ओम एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। इसमें एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, यानी जिस प्रकार दानवीर महाबली और बलि राजा को बांधा था, उसी प्रकार तेन त्वाम प्रतिबंधामी रक्षे माचल माचल माचल, उसी प्रकार मैं तुम्हें यह रक्षा सूत्र बांध रहा हूं, तुम्हें इसके विषय में हमेशा मेरी रक्षा करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे। तो इसका असली अर्थ यह होता है। तो यह रक्षा सूत्र कैसे हमारी रक्षा करता है, जब यह रक्षा सूत्र वो अपनी रक्षा के लिए बांध रहा है तो यह हमारी रक्षा कैसे करता है, यह बड़ा ही सोचने का विषय है, विचारणीय विषय है। तो साथियों, यहां पर कलावे का मकसद क्या है, जब बंधवाने वाला यह समझ रहा है कि ये मेरी रक्षा करेगा, बांधने वाला इस नियत से बांध रहा है कि यह कलावा मेरी रक्षा, तुम्हें इस कलावा मैंने इसलिए बांधा है कि तुम मेरी रक्षा करोगे। तो यहां पर बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि दोनों में से सही कौन है। तो साथियों, यहां पर एक तो अंधविश्वास और पाखंड से ग्रसित है और दूसरा अपनी चतुरता और वाक्पटुता और स्वार्थवश वह आपसे अनजाने में वचन ले रहा है अपनी रक्षा का। तो वह अपनी रक्षा के लिए वचन ले रहा है क्योंकि वह आपके साथ तरह तरह के छल और प्रपंच करके आपके जीवन से खिलवाड़ करता है, आपको अंधविश्वास और पाखंड में डालता है। यदि आपको पता चल जाता है किसी वश
कि इन फला पुरोहित ने, फला पंडित जी ने गलत कार्य किया है, तो वह आपको उसी रक्षा का वचन की याद दिला सकता है कि तुमने मेरी रक्षा का वचन दिया था। तो साथियों, आज आप सभी ये को ये स्पष्ट हो गया होगा कि कलावा क्यों बांधा जाता है और कलावा क्यों बंधवाया जाता है। तो साथियों, सबसे पहले आइए हम इसके पीछे जो कुछ महत्वपूर्ण हमारे समाज में महापंडित हुए हैं, उन्होंने इसकी उपयोगिता के बारे में क्या कहा है। तो इसमें इंद्रमणि घनश्याल जो एक महापंडित है, जिन्हें समाज में मान्यता प्राप्त है, और वह कहते हैं कि इसे कलावे को बांधने से त्रिदेव और तीनों देवियां प्रसन्न रहती हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। अब आगे इसका वैज्ञानिक महत्व भी ये लोग बताते हैं। इसका वैज्ञानिक महत्व क्या बताते हैं कि इस ये एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति के तहत यह हृदय की और हृदय रोग और जिसे हम बोलते हैं शुगर यानी मधुमेह और लकवा जैसे रोगों की सुरक्षा करता है। तो साथियों, यहां पर तीनों देवियां, तीनों देवता जो आपकी रक्षा करते हैं, वह कैसे करते हैं? धागा हाथ में बंधा है और आप पूजा पाठ नित्य कर ही रहे हो, तो ये धागा कैसे आपकी रक्षा करता है? और क्या धागा बांधने वालों का एक्सीडेंट नहीं होता? धागा बांधने वालों के हार्ट अटैक नहीं होता? तो यही हमें ये सोचने का विषय है। इसका कोई भी रिलेशन आपके देवी देवताओं से नहीं है, क्योंकि यह कलावा एक प्रतीक है। और वह प्रतीक क्या है यह मैं वीडियो के आखिरी में बताऊंगा कि यह कलावा कैसे आपको बांधता है, कैसे यह कलावा आपको वचनबद्ध करता है, आपको आपकी इसको बांधने से क्या पहचान है, यह मैं आखिरी में बताऊंगा। लेकिन पहले हमारे समाज में जो लोगों ने कहा है उसके अनुसार हम बात कर लें। तो अब यहां पर हम बात करते हैं, बात कर रहे थे तीनों देवी देवताएं आपकी रक्षा करती हैं। तो अगर ये तीनों देवी देवताएं रक्षा कर रही होती तो हम अपने देश के फौजियों के हाथ में बांधकर अब तक पाकिस्तान की कब्जा कर चुके होते और पूरा पूरा जो पूरा अखंड भारत था उस अखंड भारत को हम प्राप्त कर चुके होते, बना चुके होते। तो साथियों, यह बड़ा विचारणीय विषय है क्योंकि यह अंधविश्वास और आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए इसकी चर्चा हम विशेष तौर पर कर रहे हैं। अब आते हैं, हम बात करते हैं ये जो है एक्यूप्रेशर चिकित्सा है कलावा। तो इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर भी जब तक हम बात नहीं करेंगे तब तक हमें यह स्पष्ट नहीं होगा कि इसका वैज्ञानिक आधार क्या है। तो साथियों, ये जो एक्यूप्रेशर चिकित्सा है कलावा, इसके पीछे हम बात करते हैं कि यह हृदय रोग ठीक करता है, और दूसरा यह मधुमेह ठीक करता है, तीसरा यह हमारे शरीर की जो ब्लड प्रेशर है उसको सही करता है। तो साथियों, यहां पर हम बात करते हैं कि जिसका हाथ नहीं है, जिसका हाथ नहीं है, क्या उसका हृदय नहीं धड़कता? क्या उसे ऐसी बीमारियां नहीं होती हैं? क्या वह ऐसी बीमारियों से तुरंत ग्रसित हो जाता है? तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि जिनके हाथ नहीं है वह भी पूर्णतः स्वस्थ हैं और एक अच्छी लंबी आयु जीते हैं। दूसरा, आज आप जिनके कलावा नहीं बढ़ा है आप उनकी उम्र की औसत भी देख सकते हैं। या आज भारत की जो औसत आयु है उम्र जीने की वह बहुत कम हो चुकी है, इसकी अपेक्षा कि अमेरिका जापान वगैरह में लोग भारत से ज्यादा लंबी उम्र जी रहे हैं, उनके हाथ में कलावा नहीं है। तो साथियों, आप सभी ये समझ चुके हैं, जान चुके हैं ये वीडियो देखकर कि कलावे का क्या महत्व है। इसके पीछे हमारे जितने भी अखबार हैं, NDTV है और दैनिक जागरण है, दैनिक भास्कर है, इन सभी लोगों ने कलावे के महत्व के बारे में, इसके वैज्ञानिक जो आधार है बांधने के बारे में, सभी ने अपने लेखों में बड़ी ही गहनता के साथ लिखा है। सभी ने इसे अंधविश्वास और पाखंड से जोड़कर वैज्ञानिक आधार देने का काम किया है। एक तरफ तो वो देवी देवताओं से भी इसे जोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ इसे जोड़ रहे हैं किससे,
कि इसका वैज्ञानिक दृष्टि आधार भी है कि यह हृदय रोग, मधुमेह और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। लेकिन साथियों, एक हाथ में बंधा हुआ धागा पूरे बॉडी को अगर नियंत्रित करता तो ऐसे अनेकों खोज हमारे समाज में होती कि यह धागे से भी हम आगे निकले होते और यह धागा इतना ही महत्वपूर्ण होता तो विश्व के सभी देशों में लोग इसको बांधते और इस रक्षा को प्राप्त करते। तो साथियों, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, इसका पौराणिक आधार है। इसका पौराणिक आधार केवल इतना मात्र है कि यह एक, यूं बोले तो जैसे हम कहते हैं कि जैसे हम एक कुत्ता पाल लेते हैं या एक हम जानवर पाल लेते हैं, तो अगर वो कुत्ता खुल जाता है और जैसे हमारे गली मोहल्लों में या गांव में कुत्ते घूमते रहते हैं, तो किसी कुत्ते के गले में हम देखते हैं कि वो रस्सी बंधी हुई है, यानी पट्टा पहन रखा है, और गांव जो गांव के कुत्ते हैं उनके गले में पट्टे, जो आवारा कुत्ते हैं उनके गले में पट्टे नहीं होते। तो यहां पर आप इससे समझ सकते हैं कि यह एक तरह से पहचान चिन्ह हो सकता है, यानी यह किसी धर्म विशेष का पहचान चिन्ह हो सकता है या किसी पालतू, यानी जैसे कुत्ते का पालतू वहां पे है, तो यहां मैं पालतू नहीं कहूंगा लेकिन इतना कहूंगा कि यह पहचान चिन्ह हो सकता है कि यह व्यक्ति फला धर्म से बिलोंग करता है। यह एक पहचान हो सकती है लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है, ना ही इसका कोई पौराणिक दृष्टिकोण है। और पौराणिक दृष्टिकोण में भी आते हैं तो वहां पर भी ये फंस जाते हैं, क्योंकि रक्षा का मतलब होता है रक्षा सूत्र, तो किसकी रक्षा के लिए जो ये रक्षा सूत्र बांधा गया है वो किसकी रक्षा के लिए बांधा गया है? बांधने वाला अपनी रक्षा के लिए बंधवा रहा है या बंधवाने वाला अपनी रक्षा के लिए बांध रहा है? यहां पर स्पष्ट है कि बंधवाने वाले को यह पता है कि इस रक्षा सूत्र से मेरी रक्षा होगी और बांधने वाला समझ रहा है कि इससे मेरी रक्षा होगी। तो यहां पर बड़ा गोलमाल है, इस गोलमाल को हमें समझना होगा। इस गोलमाल के पीछे मनुवादी साजिश का बहुत बड़ा हाथ है। तो साथियों, ये जो आप सभी ने वीडियो देखा कलावा रक्षा सूत्र मौली, तो इसका जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है वह है, जैसे हम पहचान करते हैं कि हमने बनाया एक प्रक्रिया बनाई कि कौन कौन से हमारे फॉलोवर हैं और कौन कौन से हमारे ये जो फॉलोवर हैं भक्त हैं, उनकी पहचान कैसे की जाए, उनकी गणना कैसे की जाए, वह हमारी बातों को मान रहा है कि नहीं मान रहा, इसके लिए यह कलावा बनाया गया था। तो यह कलावा उसी कुत्ते का पट्टा या जानवर के पले गले में पड़ी हुई रस्सी जिस प्रकार ये बताती है कि वह पालतू है, उसको किसी ने पाल रखा है, उसी प्रकार हाथ में बंधा हुआ कलावा यह प्रतीक है कि वह ब्राह्मणवाद मनुवाद का अपना पालतू व्यक्ति है। तो साथियों, आज अभी इस वीडियो में आप सभी को स्पष्ट हो गया कि कलावे का हमारे समाज में क्या महत्व है, कलावे की क्या उपयोगिता है। आज मैं अभी एक कार्यक्रम में गया हुआ था और उस कार्यक्रम में चर्चा चलने लगी कि कलावा जो है वह जो बांधा गया है वह ब्राह्मणों ने अपनी रक्षा के लिए सबके बांधा है। तो वहां पर जो दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ था वो कह रहा है कि मैं कलावा ब्राह्मण से नहीं बंधवाता, मैं कलावा अपने घर में किसी से बंधवा लेता हूं। इसका मतलब है रक्षा सूत्र। तो भैया, सीधी सी बात है, अगर ये रक्षा सूत्र है तो सबसे पहले रक्षा बांधने के बाद किसी व्यक्ति से अपने खुद रक्षा बांधिए और बगल में खड़े हुए व्यक्ति को कहिए कि 10 लाठी मारे उसको खींच के, और उस 10 लाठी में उसके एक भी ना लगे, तो हम ये समझ सकते हैं कि वह रक्षा सूत्र है। वरना वह आपके बंधे हुए पालतू होने का पट्टा आपके गले में लटका हुआ है, वह उसका प्रतीक है। तो यही बात वहां पर कह गई थी तो वह थोड़ा उत्तेजित हो गए थे, नाराज हो गए थे, लेकिन असलियत इसकी क्या है यह पूरी तरह से आप जान चुके हैं और यह आप मान भी जाएंगे। आने वाला समय आपको
मनवा देगा, नहीं तो मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दे देता हूं, आपको पता चल जाएगा कि रक्षा सूत्र जो है और ये मौली जो है कि इसकी उपयोगिता क्या है। साथियों, हमारे बड़े बड़े नेताओं के हाथ में, जो पिछड़े के नेता हैं उनके हाथ में कलावा रक्षा सूत्र बंधा होता है। आप चले जाइए, वो भाजपा में शामिल ना हो, वह किसी अन्य पार्टी में हो, जैसे विपक्ष वाली पार्टी में हो, तो आप सभी उनके ट्विटर हैंडल के नीचे जो कमेंट्स आते हैं उनको पढ़ लीजिए कि वहां पर कैसे उनकी रक्षा होती है, आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। बहुत बड़ा हिंदुत्व धारण करने वाले अखिलेश यादव जी के कमेंट में चले जाइए, ब्राह्मणों की टोटी चोर के नाम से इतनी बड़ी गालियां वो स्पष्ट कर देती हैं कि वह कितने बड़े पुजारी हैं, कितने बड़े अंधभक्त हैं, यह स्पष्ट हो जाता है कि उन गालियों के बाद भी वह सुधरने का नाम नहीं लेते और वह रक्षा सूत्र उनके हाथ में बंधा हुआ है, लेकिन उनकी रक्षा ब्राह्मण का दही करने को तैयार नहीं है। उन्हें हर तरह के, जैसे जो जातिवादी दृष्टिकोण से देखने की परंपरा है वो चलती आ रही है। तो आज यहां स्पष्ट हो जाता है कि हमारा कलावा से कोई नाता नहीं है, कलावा हमारे हाथ में बंधा है, तो यह स्पष्ट है कि हम पालतू हैं और पाले गए हैं, और नहीं है तो वह सावधान हो जाएगा कि नहीं, मेरी कुत्सित मानसिकता अब इन लोगों पे चलने वाली नहीं है। तो साथियों, आज का यह वीडियो कलावा जैसे कुत्ते के गले में पड़ा हुआ पट्टा है, वही पट्टा है, हमें गुलाम बना, हमारी गुलामी का प्रतीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा साथियों? अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ बेल आइकन की घंटी दबा लें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा। जय भीम, जय मंडल जी।